हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंचना एसआर। और आज है दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लक्ष्मी जी अपना पूरा आशीर्वाद आप सभी पर बरसाए। और आज का जो ब्लॉग है वो दिवाली ब्लॉग होने वाला है। और आज हम पूरा घर का जितना भी शेड्यूल है वो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आज तो हमारी मेड भी गाँव चली गई है दिवाली पर कुछ दिनों के लिए। तो आज तो सुबह से शाम तक जितना भी काम है वो हमें ही करना है। हमें क्या मतलब, मुझे करना है बेसिकली मुझे ही करना है। अभी सुबह के बजे हैं 9:30 बज गए। हाँ, और सुबह के 9:30 बजे हैं। और अभी चाय पी ली है हम लोगों ने। चाय पी के हम सोच रहे हैं कि झाड़ू काट देते हैं फटाफट, झाड़ू पोछा लगा के फिर नाश्ता बनाएंगे। अभी नाश्ते का मन नहीं है तो अभी थोड़ा लेट करेंगे, बच्चों को भी नहीं खाना है। उसके बाद फिर कुछ कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं बच्चे उस हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हाय गाइस, अब मैं ना दीपक है नए नए दीपकों को ना एक बार पानी में वॉश करके रख देते हैं तो शाम। ये अब मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका है, कुछ कुछ चीजें जमा दी हैं मैंने, मंदिर भी साफ कर लिया है। और मंदिर भी साफ हो गया है, आधा साफ हो गया, आधे से ज्यादा पर सब थोड़ा सा जमाना बाकी है। और अभी दीवान, मैंने दीवान रूम अभी नहीं किया है, वो अभी मैं अभी बीच में खाना बनाने के साथ साथ मैं वो भी करती जाऊंगी, खाना भी बनाती जाऊंगी। और अभी मैं पूड़ी बन के लिए आटा लगाऊंगी पूड़ी के लिए, और पालक पनीर के लिए मैंने ये सारा सामान तैयार कर लिया है मेरा। ये मेरा पालक पनीर का सब सामान है, बस तैयार कर रही हूँ ना। और बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाती हूँ, कुछ पनीर रोल ही बना दूंगी अभी एक साथ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ, ये थोड़ा क्या टाइट होना चाहिए इसलिए थोड़ा ना पानी कम कम डाल के लगा रही हूँ इसमें। मैं पूरी का आटा टाइट होना चाहिए हमेशा। और इधर मेरा पालक भी उबालने रख दिया मैंने, अभी मेरा मसाला तैयार हो जाएगा जब तक। अभी ये पका है मैंने, और पकने का इसमें थोड़ा तेल बाहर आएगा ना जब जब। तो अभी मेरा आधा काम हो गया है, बस आधा थोड़ा सा और बाकी है, मैं फटाफट ये लगा के। मैंने मसाला डाल दिया है और मसाला पकेगा जब तक मैं इनको पीस लेती हूँ, टमाटर को थोड़े से टमाटर छोड़ा। ये टमाटर गए, इसमें हरे टमाटर भी है। बस हो गया, अब तो ये पक जाए, पहले पकेगा ना उसके बाद टमाटर डाल देंगे। बस ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो गाइस, फाइनली अब मैंने नाश्ता वास्ता सब बना लिया है, प्रिपरेशन भी हो गई है खाने की। और अब मैं ना ये दीवान सेट ना थोड़ा चेंज कर देती हूँ। एक्चुअली मैं लेकर आई थी ऐसी लोकल मार्केट से, लेकर आई थी हमारे पास में जो मार्केट है वहां से। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, मुझे ये ब्लू वाला, वैसे मुझे ब्राउन टाइप में थोड़ा चाहिए था डार्क कलर, लेकिन ये कुछ ऐसा है, ऐसा है। इसमें मसंत कवर है और बेडशीट है दीवान की, और ये कुशन कवर्स हैं, 5 कुशन कवर्स हैं। तो ये मुझे मिला था 650 में। आप मुझे ये बताना कि 650 के अंदर ये सही है क्या, मुझे कमेंट करके आप बताना, ठीक है। ये अभी मैं अपने लोकल मार्केट से ही लेकर आई थी। ये
ठंडे ठंडे हो रहे हैं। अरे अरे वाह, इसमें ये सही है, इसमें बटन है गाइस, देखो इसमें बटन है एक्चुअली, ये अच्छा है इसको ना पैक करने के लिए। ये देखो यहाँ पे बटन भी दे रखे हैं इन्होंने, ये सही है, नहीं तो कई में तो क्या बटन नहीं है। जैसे देखो अभी मैंने जो लेकर आई थी ना, ये वाले पुराने वाले मेरे, इसमें तो बटन ही नहीं है, इसमें बस ये है कि थोड़ा सा ना अंदर तक उसने सिलाई कर रखी है, तो ये बस ऐसे ऐसे पहनाओ और ऐसे ढक दो फिर बस। बाकी इसको तो मैं अभी उतार देती हूँ, क्योंकि अब तो आज तो नए नए पहनेगा ये भी, इसकी भी दिवाली आ गई, ये भी नया पहनेगा। खैर मैंने इसमें पुराना एक और पेन लगा रखा है, क्योंकि मुझे क्या है कि अच्छे नहीं लगते, मैं एक पहले से डाल के रखती हूँ पुराना। ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए मम्मी? अरे यार वो पनीर की वो बना रही थी ना मैं, पनीर का पनीर पीसा था मैंने उसमें मिक्सी में गरम पनीर पीसा था या पनीर नहीं रहा यार, क्या मैं भी भूल जाते हूँ, पालक पीसा था, और पालक क्या था इतना गरम था, और मैंने क्या एक भी बार मैं है ना कांस काटने के चक्कर में कि जल्दी हो जाएगा, और मैंने क्या किया उसको एक साथ ही डाल दिया सारे पालक को, तो वो ज्यादा फुल भर गया वो पूरा का पूरा, और फिर क्या है वो जैसे उसको घुमाया सब तरफ निकल गया वो, उसका तो था नहीं, वो मेरे ऊपर भी आ गया, यहाँ भी आ गया, मेरा तो हाथ ही अच्छा हुआ जला नहीं। फिर मैंने जल्दी से ठंडा पानी किया, पर मेरे जला तो नहीं जला, बच गई, मेरे पास तो जल जाती मैं, इसलिए हो गया। और पता है मैंने फिर उसको कम भी कर दिया था, मैंने सोचा कि इसको कम कर देती हूँ, ये बहुत ज्यादा हो गया है, कम किया, लेकिन वो क्या इतना गर्म था ना तो उसमें गैस बन गई, और गैस से ना वो ऐसे पूरी किचन खराब हो गई थी, पूरी समेटी मैंने, पूरा धोया है, पूरा डीप क्लीनिंग की है मैंने, मैं तो थक गई जल्दी के चक्कर में ना, लेट और हो गई मैं तो इतना सफाई करते करते। मम्मा चेंज कर लो ना कपड़े। बस अब बेटा ये काम करके ना नहाने जाऊंगी मैं, तभी चेंज करूंगी, बार बार क्या चेंज करूंगी, फिर दिन में तो मेरे दो काम और निपट जाएंगे, नहाने तो ज्यादा है ना। अरे यार अब इसमें ना वो चाहिए, क्या चाहिए इसमें गाइस, वो चाहिए नाड़ा डालने के लिए, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्या डालूं कवर, गोल तक ही कवर तो ऐसे रहने दो, आप इसके कर दो पहले, ये चढ़ा दो पहले बेड का कवर, हाँ ये भी लगा देती हूँ, चित्र लगा देती हूँ, गोल तक ये रहने दो अभी तो, नहीं नहीं अभी स्टोर में रखे हैं ना, वो वैसे भी काम आ जाएंगे, करना तो नहीं, जब लाए तो लगाना तो नहीं ना, ऐसे करो ना लाए तो इसको मतलब इनको रख दें, सेट ही नहीं बैठेगा फिर, अच्छा तो इसी से लगेगा ना मौसम कवरों से। चलो करते हैं कुछ, मैं जुगाड़ टूर के लाती हूँ। देखो मम्मा ने कितना गंदा जुगाड़ किया है। गंदा नहीं है बेटा, ये क्या है पुराना नाड़ा, देखिए ये वाला ले लिया, और अभी कुछ था नहीं तो मैंने क्या है वो चद्दर, पुरानी चद्दर थी उसकी किनार थी गली हुई, वो ले आई मैं, अब दुकान पे थोड़ी भागेंगे बेटा, अभी जो है ना उसी से जुगाड़, यही तो होता है जुगाड़ तो आना चाहिए ना सबको। देखो फिर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि नाड़ा नहीं था, मस्त लग रहा है एकदम, छुपा दिया सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से, दिख नहीं रहा ना, देख कहीं पे भी कुछ दिखा दिया उसको, बिल्कुल ये ऐसे पिन होती है ना बेटा, पिन से फिर अंदर जाएगा ना इसमें नाड़ा कैसे टूटता है। अब आपने तो क्या किया नहीं, आप तो क्या अभी ये सब काम कभी किए नहीं, अब हमने तो किए हैं ना तो हमें तो पता है, पर ये आपको भी आने चाहिए ऐसे काम, समझ रहे हो कि अगर कि कभी ऐसे कुछ नाड़ा डालना है किसी में तो कैसे करोगे बताओ, किससे डालोगे हैं, कोई मशीन थोड़ी आती है इसकी, या मार्केट में जाके डलवा के आ जाओ ऐसे, देखो ऐसे ना इसको ऐसे डाल देते हैं तो ये फिर निकलेगा नहीं, और फिर इसको बाद में फिर ऐसे डाल के इसको थोड़ा थोड़ा आगे, इसको आगे ऐसे खींचते जाओ ये आगे चला जाएगा, ऐसे जाएगा फिर इसको ऐसे पकड़ के, आ गया ना कंप्लीट हो गया।
गाइस मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, ठीक लगा कि नहीं लगा कलर कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से मुझे तो जो सही समझ में आया जितना जल्दबाजी में वो उस हिसाब से मैं ले आई। अब नहा लिया जाए है ना, चलो अब नहा लिया। अभी मैं मेकअप स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं अभी कंसीलर लगा लेती हूँ, कंसीलर लगा के फाउंडेशन लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन लगा लिया है, उसको मैं ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर रही हूँ और अब मैं आईब्रो पेंसिल से आईब्रो सेट कर लेती हूँ। नाउ ब्लशर का टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा नोज़ पे, ताकि नोज़ पे जब लाइट पड़ती है तो थोड़ा हाईलाइट होता है एरिया, ये लिप्स के ऊपर चिन के पास। और ब्रश आप यूज़ हमेशा करें, ब्रश से क्या है इसको इक्वल हो जाता है ये, अदरवाइज जैसा लगेगा कि किसी ने एक जगह ला कर और रख दिया है बस फेस पे, वो इक्वल स्प्रेड नहीं होगा आपके स्किन पे। ये हो गया है और अभी लिपस्टिक मैंने लगा रही हूँ। एक्चुअली आई मेकअप मैंने अंदर कर लिया था क्योंकि वो छोटे मिरर से हो पाता है, बड़े मिरर से हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने आई मेकअप कर लिया है और अब लिपस्टिक भी ऑलमोस्ट हो गई है, तो मेकअप लगभग पूरा कंप्लीट है। बस ज्वेलरी पहनना बाकी है, वो हम अभी पहन लेते हैं। तो गाइस मैं अभी रेडी हो गई हूँ और अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं, तो पूजा की मैं थाली लगा देती हूँ, कुमकुम रोली मौली सब। ये मार्केट से आया हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, तो सब क्या है उसमें जाएंगे। ये क्या है, धूप है शादी है, धूप सुपारी बाती अगरबत्ती चंदन स्वास्थ्य के लिए, और ये लाल कपड़ा तो माता जी के, छोटा सा मौली, देखो आज जो दिन में मैंने सफाई करी थी ना, तो मैंने यही वाला सारा साफ किया था, यहाँ पे बहुत सारा सामान था बट मैंने सारा सामान हटा दिया। और अभी हम क्या करेंगे, पत्ता बिछाएंगे ठाकुर जी के लिए, माता जी का, यहाँ ये वाला बिछाएंगे और ऋतु देख। लो फुल जारी ले लो,
आज का जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हो गया है और अभी रात के बज गए हैं 12:30 और मैंने चेंज भी कर लिया है। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए आज का ब्लॉग तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मुझे। तब तक के लिए बाय बाय।